हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस वीडियो में हम ब्लॉक डायग्राम्स कवर करने वाले हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के ब्लॉक डायग्राम्स, देन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन का जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, उसमें ही मैंने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट कवर किया था। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में PAM में आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है। ओके, जैसे ये एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वैसे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ओके, एंड कैरियर सिग्नल क्या होती है? एक ट्रेन होती है पल्सेस की। सो ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है पल्स मॉड्यूलेशन के वीडियो में। फिर मैंने सैम्पलिंग टाइप्स पे वीडियो बनाया था, उसमें मैंने नेचुरल और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग कवर किया है। ओके, सो दैट इज सेम एज नेचुरल PAM एंड फ्लैट टॉप PAM। नेचुरल PAM में आपकी जो पल्स होगी उसका जो टॉप होगा उसका शेप फॉलो करेगा आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के शेप को, और फ्लैट टॉप में क्या होगा, आपके पल्स के जो टॉप्स होंगे वो फ्लैट होंगे, उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा। नेचुरल में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के वेवफॉर्म को फॉलो किया जाता है और फ्लैट टॉप में उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। सो इसके भी वेवफॉर्म्स हमने अच्छे से देखे थे सैम्पलिंग के टाइप्स के वीडियो में। तो जनरेशन ऑफ PAM, तो इसकी ये ब्लॉक डायग्राम है। ओके, बहुत सिंपल है, दिस इज द सिंपलेस्ट टेक्निक ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन। तो एक्स ऑफ टी मतलब होता है आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और सी ऑफ टी मतलब होता है आपका कैरियर सिग्नल। तो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पहले लो पास फिल्टर को जाता है, लो पास फिल्टर उसको बैंड लिमिट करता है। ओके, अभी बैंड लिमिट मतलब क्या होता है? बैंड लिमिट इस नाम में ही है, बैंडविड्थ लिमिट। इसकी कोई पर्टिकुलर रेंज की बैंडविड्थ होती है और उसके अलावा आउट ऑफ दैट बैंडविड्थ द एम्पलीट्यूड इज जीरो। सिंपल, लिमिटेड बैंडविड्थ वाला सिग्नल मतलब बैंड लिमिटेड सिग्नल, सिंपल भाषा में। फिर ये बैंड लिमिटेड सिग्नल और ये कैरियर सिग्नल, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा और फिर वो मॉड्यूलेटर को दिया जाएगा। अभी हम वेवफॉर्म देखते हैं। तो सैम्पलिंग के वीडियो में भी हमने देखा था कि कैसे एक एक पल्स एक एक सैम्पल उठाती है और उस पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड होगा उसको वो रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ पे 5 वोल्ट के एम्पलीट्यूड की पल्स बनेगी। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसे ही कहते हैं कि आपका एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है। ओके, अब इसका डी मॉड्यूलेशन देखते हैं। तो डी मॉड्यूलेशन भी बहुत सिंपल है, सिर्फ एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर लगाया है। ओके, इसको वो आप PAM सिग्नल दोगे, आपके जो मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उससे ज़्यादा इस फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। तो आपका जो रिसीव्ड सिग्नल है उसको ही रिकंस्ट्रक्ट करके ये आगे भेजेगा, बाकी सब कुछ रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, देन देयर इज इक्विलाइजर। अभी इक्विलाइजर क्यों लगाते हैं? अपर्चर इफेक्ट मिनिमाइज करने के लिए। अपर्चर इफेक्ट मैंने जब फ्लैट टॉप सैम्पलिंग एक्सप्लेन किया था सैम्पलिंग के टाइप्स के वीडियो में, उसमें मैंने ये टॉपिक कवर किया था। अभी इसके एडवांटेजेस देखते हैं। सो इट इज सिंपल प्रोसेस फॉर बोथ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन टेक्निक। PAM सबसे आसान तरीका है, नो कॉम्प्लेक्स सर्किटरी इज रिक्वायर्ड। आपने देखा होगा कि दोनों ब्लॉक डायग्राम्स भी कितने सिंपल है, सिर्फ फिल्टर्स यूज़ किए हैं और मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया है। थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, PAM कैन जनरेट अदर पल्स मॉड्यूलेशन सिग्नल्स एंड कैरी द मैसेज और इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम। PAM से आप दूसरे पल्स मॉड्यूलेशन सिग्नल्स बना सकते हो और एट द सेम टाइम ये मैसेज और इन्फॉर्मेशन भी कैरी कर सकता है। ओके, सो ये 3 एडवांटेजेस याद रखने हैं। एडवांटेजेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, क्योंकि PAM इज द वीकेस्ट टेक्निक ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन। पहला डिसएडवांटेज है कि इसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। पल्स मॉड्यूलेशन है तो बैंडविड्थ ज़्यादा लगेगी ही। नाइक्विस्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। नाइक्विस्ट क्राइटेरिया मैंने मेरे सैम्पलिंग प्रोसेस के वीडियो में कवर किया है। वो क्या कहता है कि आपका मिनिमम सैम्पलिंग रेट एटलीस्ट 2 FM होना चाहिए। ओके, ये FM क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मैसेज सिग्नल। ओके, तो आपकी 2x FM फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए सैम्पलिंग की, ताकि आप फेथफुली रिप्रोड्यूस कर सके वो सिग्नल। ओके, सेकेंड डिसएडवांटेज कि इसका एम्पलीट्यूड है वो वेरी हो रहा है। ओके, इसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस है तो इस पे नॉइस ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो PAM की नॉइस इम्यूनिटी बहुत कम है, इस पे सबसे ज़्यादा नॉइस अफेक्ट करेगा और आपके सिग्नल में इंटरफेरेंसेस आएंगे। ओके, थर्ड डिसएडवांटेज PAM में आपका एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है तो वो जो पावर है वो भी वेरी होती रहेगी। ओके, PAM में पावर ज़्यादा लगती है। ओके, आपको ट्रांसमिशन करते टाइम पावर ज़्यादा लगेगी क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी हो रहा है, सो योर पिक पावर विल बी कंसिडर्ड। ओके, सो दीज आर 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ PAM। नाउ वी विल सी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में क्या है कि इथरनेट में यूज होता है, इथरनेट कम्युनिकेशंस विच इज यूज टू कनेक्ट सिस्टम्स। देन कहाँ पे? फोटोबायोलॉजी पे, फोटोसिंथेसिस की स्टडी है ये। देन इट इज़ यूज एज अ इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर फॉर LED लाइटिंग। ओके, फिर बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स में भी ये यूज होता है टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स। ओके, तो बेसिक्स एप्लीकेशंस है इसके। ये वाइवा में पूछते हैं ज़्यादा कि PAM PWM के एप्लीकेशंस बताओ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। सो अभी हमने PAM के मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के ब्लॉक डायग्राम्स देखे, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस देखे। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया, बहुत सिंपल था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, ये पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।